हे हाई एवरी वन माई नेम एस सोमित एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस सीरीज़ रिवाइज विद मी ऑन द सिविल्स क्लब सो देखिए हमने बहुत सारे विजन आई ई एस के तो कर लिए हैं नाओ लेटर स्टार्ट ऑफ विथ फोर एम आई एस एंड वी वुड बी बिगिनिंग विथ सिम्युलेटेड टेस्ट राइट सिम्यूलेटेड टेस्ट जो उनके होते हैं उसको डिस्कस करेंगे और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिम्यटेड टेस्ट जीरो को डिस्कस करेंगे सो लेट्स बिगिन विथ आर डिस्कशन फर्स्ट इस देखिए शेड्यूल बैंक क्या रखेगा शेड्यूल टू के अंदर डिफाइन होते हैं अंडर द आर बी आई एक्ट नाइनटीन थर्टी फोर प्लीज़ रिमेंबर दिस राइट देन उसके बाद क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम टाइडल वेव मतलब तो एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम टाइडल वेव जो तो टाइडल वेव एनर्जी होती है वो हाई होती है एज कंपेयर टू बायोमास ठीक है तो ये चीज ध्यान रखिएगा देन उसके बाद क्या है जो साकाश जो शख्स का कैलेंडर होते हैं उसमें क्या होता है चैत्र्या चैत्र इज द फर्स्ट मंथ सिमिलरली जो हिजरी कैलेंडर होता है उसमें मुहर्रम इज द फर्स्ट मंथ एंड जो विक्रम संवत होता है उसके अंदर चैत्र्या इज द फर्स्ट मंथ तो पूछा जा सकता है कौन से कैलेंडर में कौन सा फर्स्ट मंथ है याद रखिएगा ठीक है एस सी वी सी एंड आपका एच HM. एम ठीक है फाइन आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव हेड अब बात करते हैं कोल वेटलैंड्स तो कोल वेटलैंड्स कहाँ हैं कोल केरला में रिमेंबर कोल केरला ठीक है देन उसके बाद क्या है टुंगारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है तो ये अब देखिए ज्ञानेश्वर और ये मतलब वेश्वर वर महाबलेश्वर तो ये क्या है महाराष्ट्र में ऐसे ध्यान रखिएगा ठीक है तो टूंगारेश्वर कहाँ पर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में नेक्स्ट मार्स मार्स ये क्या हुआ था ड्यूरिंग ट्वेंटी कॉप ट्वेंटी सेवन में अडोप्ट किया गया था एंड इट इज़ द प्रोग्राम ऑफ यू एन ई पी ठीक है एंड इसमें क्या है बेसिकली जो मीथेन वगैरह का मेजरमेंट है वो उसके रिगार्डिंग है ये तो मार्स पूछा जा सकता है किस लिए तो आई थिंक मीथेन अल्ट अलर्ट रेड वार्निंग सिस्टम इस टाइप का कुछ था ठीक है राइट एंड इट विल हेल्प एक्सेलेट द ग्लोबल मीथेन प्लेज ठीक है एंड यह चीज़ ध्यान रखिएगा ग्लोबल मीथेन प्लेज कॉप ट्वेंटी सिक्स में ली गई थी नॉट कॉप ट्वेंटी एंड जो इट विल हेल्प रिड्यूस जो मिथेन है ट्वेंटी थर्टी बाय थर्टी परसेंट बाई ट्वेंटी थर्टी तो ये इसका टारगेट है और क्या इंडिया इसका सिग्नेटरी है द आंसर टू दिस इज नो ठीक है ये ध्यान रखिएगा एंड थर्टी परसेंट कम करना बाई ट्वेंटी ट्वेंटी का लेवल्स बाई थर्ट ट्वेंटी थर्टी ठीक है दिस इज द टारगेट ऑफ ग्लोबल मिथेन प्लेज आगे बढ़ते हैं एस्टिवेशन क्या होता है तो दिस इज द समर इक्वेलेंट ऑफ यू कैन से हाइबरनेशन कि जो एनिमल्स समर में हाइबरनेट करते हैं वो एस्टिवेशन का पार्ट होते हैं एंड स्नेेल्स टोटाइस क्रोकोडाइल्स ये लोग करते हैं ठीक है तो पहला तो कुछ नहीं पूछा जा सकता कि क्या इनमें आपका होता है किस टाइप का फिनोमोना क्रोकोडाइल वगैरह में तो यस होता है ठीक है देन नाइट्रिफिकेशन क्या होता है uh, इसमें जो अमोनिया होती है एंड नॉट फ्री नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इन टू नाइट्राइट्स ठीक है थ्रू बैक्टीरियाज लाइक नाइट्रोसोमोनास ठीक है एंड देन उसके बाद नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है बाई बैक्टीरिया लाइक नाइट्रोबैक्टर ठीक है रिमेंबर दिस नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया को किसमें कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स के फॉर्म में जो प्लांट्स अब्जॉर्ब कर सकें देन डी नाइट्रिफिकेशन क्या होता है इसमें क्या होता है कि उल्टा होता है कि नाइट्रेट्स को वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है एंड इट इज़ एन एन अरोबिक प्रोसेस एन अरो अनरोबिक प्रोसेस ठीक है यानी विदाउट ऑक्सीजन ठीक है एंड जबकि नाइट्रिफिकेशन होता है एरोबिक होता है ठीक है ये ध्यान रखिएगा ठीक है एंड यहाँ पे सूडोमोनास uh, जो आपका बैक्टीरिया है वो इसमें हेल्पफुल है राइट तो रिमेंबर नाइट्रिफिकेशन एंड डी का प्रोसेस याद रखिएगा ठीक है अमोनिया को नाइट्राइट्स में वापस नाइट्राइट्स को या नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में ठीक है और राइट देन उसके बाद हम बात करते हैं दैट मोर देन 400 प्लस टैक्सेस वर कलेक्टेड ड्यूरिंग द चोलास वाओ ठीक है एंड व्यक्ति क्या था इट वॉज अ टैक्स इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर ठीक है ये ध्यान रखिएगा एंड ठीक है ये ये चीज़ पता होनी चाहिए एंड रैदर देन कैश मतलब ये एक फोर्स लेबर का था रैदर देन कैश टैक्स नहीं था यह फोर्स लेबर की फॉर्म में लिए आता था देन लैंड डोनेटेड टू जैन्स ठीक है देवर कॉल डैस पल्ली चंदानम ठीक है राइट तो दीज वर टू द जैन्स ठीक है तो जे पी तो पल्ली इसे याद रखिएगा उसमें और जबकि लैंड टू ब्रह्मनास तो देवर कॉल डैस ब्रह्मदे ठीक है देखो ब्रह्मा तो ब्रह्मदया मैच कर दोगे जैन वाला क्या है तो so, जैन में पल्ली जे पी याद रखिएगा पली चंदानम आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली ठीक है तो चोलाज में बहुत सारी लैंड ग्रांड्स वगैरह दी जाती थी या रखिएगा देन सभा क्या थी सभा वॉज द असेंबली ऑफ यू कैन से प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स ठीक है एंड अब आपको बतानी है उर क्या थी उर 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 किसकी असेंबली थी ठीक है अब मैं ट्रक बतायाता हूँ चलो आगे के टेस्ट में डिस्कस करूंगा पक्का आएगा ये ठीक है ठीक है नेक्स्ट <coughs> आता है uh, अच्छा सभा हमने डिस्कस कर ली असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स ठीक है एंड दे वर टू लुक आफ्टर द ब्रह्मदेय जो यहाँ पे ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स मिलती है नेक्स्ट बात करते हैं अलमोहित अल हिंदी ठीक है अलमोहद अल हिंदिंदी सिंधी साउथ सऊदी ठीक है अहिंदी सिंधी साउथ ठीक है सिंधी एस तो सऊदी अरेबिया इंडिया सऊदी अरेबिया तो मैंने इसकी ट्रिक यही बनाई है अलमोहिदी अलिंदी जय सिंधी ठीक है तो सिंधी याद रखना एस से आएगा ठीक है, है वो यही फंसाएगा यू की एक्सरसाइज है सऊदी की है ओमान की अब तुम फंस गए और तुमने वो तो ट्रिक याद है अलमोहिदी अल हिंदिंदी सिंधी याद हो गया ठीक है नेक्स्ट चिट फंड इज लाइक अ किटी इसमें क्या होता है इट कैरीज़ अ लेस मार्केट रिस्क ठीक है राइट right, ये ये क्या कहता है ये ये थोड़ा सा लेस मार्केट रिस्ट होता है एंड इट इज़ रेगुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ये स्टेट गवर्नमेंट अगर दिख नहीं रहा है ठीक है ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा ठीक है देन पेंट अप डिमांड्स क्या होती है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो जब लो होती है तो डिमांड लो होती है बट जब इकोनॉमिक रिवाइव करती है तो क्या होती है पोस्ट कोविड के टाइम में तो डिमांड भी बढ़ती है तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ पेंट अप डिमांड ठीक है देन इंडियाज़ इन्वेस्टमेंट इन फॉरेस्ट फॉरिन कंट्री किस में आएगा ये ये आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा ठीक है गोल्ड इम्पोर्ट्स किस में आएगा करंट में आएगा याद रखना ठीक है गोल्ड इम्पोर्ट क्योंकि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का पार्ट है विच इज़ अ पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक है राइट नेक्स्ट बात करते हैं अजहरबाई जान के बारे में तो याद रखिएगा अजहरबाई जान इज़ नॉट इन एस सी ओ वहीं मत लगात देना ठीक है अजहरबाई जान एस सी ओ में नहीं है ठीक है अबे रीजन का है अबई तो अबई सुनना सुनना अच्छा सूदान ठीक है तो इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन बिटवीन सूदान एंड साउथ सूदान ठीक है ये ध्यान रखिएगा अबई ठीक है अबई सुनना ठीक है नेक्स्ट ददाब रीजन का है डाका कैन्या ठीक है डाका कैन्या ठीक है डाका वर्ल्ड बिगेस्ट रेफ्यूजी कैंप ठीक है और ये इस बार पूछा भी गया एम नॉट रॉन्ग ट्वेंटी ट्वेंटी टू में हाँ ये मेरे टाइम में पेपर में आया था ठीक है राइट right. तो ये ध्यान रखना एंड हु फ्रॉम संभालिया तो ये यहाँ जाके रह रहे हैं ठीक है देन बायोगैस में क्या होता है फिफ्टी से सेवेंटी फाइव परसेंट मिथेन होती है सी ओ टी होती है पच्चीस परसेंट एन टू प्लस एस टू एस बी मिलता है बहुत छोटी अमाउंट में तो ये मत कह देना कि सर बायोगैस जला के बिल्कुल परफेक्ट क्लीन फ्यूल है नहीं ठीक है बट येस yes, पेट्रोल डीजल के बैटर में तो कमी ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज़ होती है नेक्स्ट बात करते हैं मेदाराम जतारा ठीक है तो ये क्या है ये ट्राइबल फेस्टिवल है एंड इट्स अ बनीलियल फेस्टिवल ठीक है uh, तो दो साल में एक बार होता है एंड uh, तेलंगाना में होता है राइट एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ इंडिया एंड कोया ट्राइब्स ये बहुत ज़्यादा इसको मनाते हैं ठीक है तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा ठीक है मैंने आपसे कोया ट्राइब लास्ट टाइम भी पूछा था ठीक है तो देखो यही चीज़ रिपीट होती है दिस इज वॉट इज़ कॉल्ड एज रैपिड रिविजन एक चीज़ आप बार बार इधर उधर इधर उधर कब जगह पढ़ रहे हो अब आपने देखो कोई अट्राइव ये पढ़ा फिर कोई रेबिलियन पढ़ा फिर कोई आपने उधर पढ़ा सिक्स शेड्यूल में फिर आपने यहाँ में इधर में पढ़ा ठीक है तो यही ध्यान रखना फाइन आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेटेंट एंड कॉपी के बारे में अगर हम बात करें तो आर टेरिटोरियल नेचर एंड ट्वेंटी ईयर्स के लिए ग्रांट किया जाता है ठीक है ऑल राइट देन कोल के बारे में हम बात करें तो यू एस इज़ द लार्जेस्ट रिजर्व जिसके पास है बट चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ठीक है कंज्यूमर एज वेल एज इंपोर्टर तो इंडिया क्या है इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है ये ध्यान रखिएगा ठीक है सबसे टॉप पे चाइना है प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड इम्पोर्टर ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं शत्रुंजी रिवर किधर है तो शत्रुंजी जी गुजरात और किधर को जाती है अरेबियन सी ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं कुत्ता वृत्ता एंड गजा प्रश्ता तो ये क्या था कुत्ता वृत्ता एंड गजा ठीक है तो ये आपके सब डिवीजन है ड्राविडा स्टाइल के ठीक है तो इट इज़ अ सब डिवीजन ऑफ ड्राविडा ठीक है के वी जी ठीक है के वी जी डी ठीक है तो ये ध्यान रखेगा देन कपाड़ बीच कहाँ है कपाड़ केरला में के के कपाड़ केरला देन पदु बीदरी ये कर्नाटक पदु बिदरी बीच किधर है कर्नाटका अब ये ध्यान रखना बीदरी टाउन बीदरी ये आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद किसी चीज के लिए फेमस है कुछ आर्ट मेकिंग के लिए और ये कर्नाटका में है मुझे इतना पता है तो पदु बीदरी आ गया तो बीदरी बिदरी कर्नाटका ठीक है देन राधानगर बीच इधर है राधानगर बीच अंडमान एन निकोबार में तो रन आर ए एन ठीक है राइट याद हो गया देखो तीनों बीच कपाड़ केपा केरला पदु बीदरी बीदरी से कर्नाटका और रन आर ए एन ठीक है और नेक्स्ट तीसता जो टी एस बी सिक्किम से निकलती है बंगाल की ओर जाती है सिक्किम बंगाल को कनेक्ट के से जाती है ठीक है एंड इट मीन्स ब्रह्मापुत्र इन बांग्लादेश सिंपल ठीक है दो स्टेट्स आपने पता होने चाहिए ये नेक्स्ट बॉर्डर रशिया की कहाँ हाँ भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है रशिया की अगर बॉर्डर पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे ठीक है तो रशिया क्या सब पे अटैक करता है तो सबको पेलते रहता है तो पेल बेल यूके क्या बोला पेल बेल यू के पहले तो ये याद रखो फिर आगे आता है एमएनसी फांग एमएनसी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है हो, फांग वो वाली होती है फेसबुक एप्पल वो वाली ठीक है तो बस भाई ये ट्रिक है याद हो गया याद हो गया सर पेल बेल यू के एम फांग पेल बेल यू के एम फांग अब बस फुल फॉर्म भी सुन लो पेल पोलैंड ई एस्टोनिया एल लाटविया एल लुथियाना पेल बेल, बेल बेल क्या बेलारूस यू ठीक है यूके के सबसे सबसे ज़्यादा तो अभी यूके कोई पेला है ठीक है मतलब यूक्रेन को ही ठीक है उसके बाद के कजाकिस्तान ठीक है पेल बेल यूके अब एम मंगोलिया चाइना नॉर्थ कोरिया फैंग फिनलैंड अजरबैजान नॉर्वे एंड जॉर्जिया याद हो गई कितना आसान था हाँ है ना पेल बेल यू के एम एन सी फांग बस भाई ठीक है दोबारा देखो इसको और याद करो भाई रशिया के बॉर्डर याद होने चाहिए पूछ लेगा वो ठीक है और फिर फट जाओ इस बार अफगानिस्तान का पूछा गया था उसकी भी ट्रिक बनाई थी मैंने कट्टी पट्टी ठीक है सी यू टी पी आई टी ठीक है नोट कर लो हालांकि हम डिस्कस करेंगे ठीक है नेक्स्ट ठीक <coughs> है टर्की के बॉर्डर की ट्रिक बताओ चलो अगले में बताऊंगा तुम्हें तो टर्की के बॉर्डर की ट्रिक ठीक है <coughs> तो मैं तो भाई मैप देखो ऐसे ही करता हूँ मैं मैप ऐप देखता नहीं मैप तो बेकार होता है ठीक है बट मैं सबकी सारी कंट्रियों की ट्रिक बना लेता हूँ तो उससे मेरा सही हो जाता है नेक्स्ट सेस सर्ज बोथ आर एक्सक्लूसिव डिस्पोजेबल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट नॉट शेयर्ड नॉट नेसेसरी टू बी शेयर्ड विद स्टेट ठीक है ये ध्यान रखिएगा एंड बोथ सेस एंड सर आर मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल टू सेवेंटी ठीक है एंड नॉट नेसेसरी टू बी शेयड विद द स्टेट्स ठीक है देन लोक अदालत ओनली फॉर कंपाउंडेबल क्राइम्स ऑफेंस एंड नॉट ऑल क्रिमिनल ऑफेंस ऐसा नहीं है कि आपने कोई आ, ऐसा क्राइम कर दिया फिर लोक अदालत में गए और फिर वहाँ सुलझा गया नहीं 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 दैट क्राइम शुड भी कंपाउंडेबल मतलब आउट ऑफ कोर्ट वगैरह सेटलमेंट होना चाहिए ठीक अलाउड होना चाहिए ऐसा नहीं मर्डर कर दिया तो ऐसा नहीं है कि भाई फिर आपने जा रहे हो वहाँ हो, ना ठीक ना. है दैन नो क्वेश्चन आर आवर ऑन टू केसेज दो केसेज में देखो क्वेश्चन आवर नहीं होता फर्स्ट वेन द प्रेजिडेंट एड्रेस द एम पीज ठीक है राइट जो प्रेजिडेंट की जॉइंट चीटिंग वगैरह वो होती है आपका प्रेजिडेंशियल एड्रेस एटी सेवन में आई थिंक नेक्स्ट होता है नॉट जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट देता है तो दो दिन क्वेश्चन आवर नहीं होता ठीक है देन सिक्किम के जो रेजिडेंट्स है दे आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स ठीक है राइट एंड ट्राइबल्स ऑफ पाँच स्टेट्स को भी इनकम टैक्स नहीं देना होता और वो कौन कौन से हैं एम एम टी एन ए ठीक है ठीक है एम एम टी एन ए ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा एम एम कौन से मनी मिजो त्रिपुरा ठीक है एन नागा और अरुणाचल प्रदेश ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा आसाम को छोड़ के ठीक है आसाम और मेघालय को छोड़ के ठीक है आपको यहाँ पे देखोगे सारे नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल स्टेट्स को ट्राइबल जो है वहाँ के उनको एग्जम्ड है आई से ठीक है देन जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है सेल्स टिशू ऑफ अदर स्पीशी टू अनदर ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा ठीक है एंड एग्जाम्पल पिक्सू इन टू ह्यूमस ठीक है तो दिस इज कॉल्ड ए जेनो ट्रांसप्लांटेशन जब आपने कोई और प्राणी के जो है आपने सेल्स uh, वगैरह किसी में कर दिए किसी और में डाल दिया ठीक है देन फाइटो न्यूट्रिय क्या है मैंने बताया था कि जब भी फाइटो आता है तो वो वर्ड प्लांट से डिनोट करता है तो दीज आर नेचुरल एक्टिव कंपाउंड्स फाउंड इन प्लांट्स हैव बेनिफिट फॉर ह्यूमन्स ठीक है तो प्लांट वाले न्यूट्रेंट जो इंसान को फ़ायदा देते हैं देन जूस मिशन किसका है जूस जे ई जे तो ई एस ए का है यूरोपियन का एंड जुपीटर को जे फॉर जूस जू फॉर जुपिटर ठीक है तो जुपिटर पे जाके जूस पिएंगे यूरोपियन यूरोप में ठीक है तो ये ध्यान रखना नेक्स्ट मेन लैंग्वेज सॉन में आ रही है ना भाई देखो है ही रिविजन है ठीक है पूरा पूरा नहीं पसेंगे क्वेश्चन इसी में से बनेगा भाई बाहर बनेगा छोड़ना है सिंपल ठीक है देखो नॉलेज स्ट्रेंथन करनी है ठीक है राइट तो समझो जो समझ रहा है भाई जिसको आ रहा है वो देखे जिसको लग रहा है भाई टाइम वेस्ट है चुपचाप बंद कर दो उसे यहीं पे ही ठीक है देन बाय एडिंग सॉल्ट क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाता है उस चीज का इसीलिए सॉल्ट वगैरह को रखा जाता है और मतलब आप देखो आइसक्रीम वगैरह में जो बर्फ के ऊपर हम सॉल्ट क्यों डालते हैं ताकि उसको फ्रीजिंग पॉइंट को और नीचे किया जाए ठीक है राइट इट इज इट हैज़ टू बी लोअर्ड सो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ग्रेट कॉन्जुकेशन की राइट तो ग्रेट कॉन्जुकेशन क्या है जुपिटर एंड सैटन जब एक्सट्रीमली क्लोज हो जाए सो दैट्स कॉल्ड एज ग्रेट कॉन्जुकेशन तो रिमेंबर ग्रेट कॉन्जुकेशन जुपिटर एंड सैटन का एक्सट्रीम क्लोज आना ठीक है राइट right? नेक्स्ट बात करते हैं रिपब्लिक सो रिपब्लिक इज अवेयर पीपल होल्ड पावर थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉट एनी मुनारक किंग तो रिपब्लिक में क्या होता है द किंग इज इलेक्टेड रिमेंबर मतलब जो भी लीडर होता है वो इलेक्ट किया जाता है ना कि कोई हेरिडेटरी वगैरह होता है एज सीन इन यू कैन से ब्रिटेन वगैरह या फिर भूटान वगैरह में ठीक है सेकेंड कंडीशन क्या होती है देर इज एबसेंस ऑफ एनी प्रिवलेज क्लास एंड हेंस ऑल पब्लिक ऑफिसेज आर ओपन टू एवरी सिटीजन तो ये दो कंडीशन है रिपब्लिक की इसको ध्यान रखिएगा ठीक है राइट right. फिर हम बात करते हैं सोइल ऑर्गेनिक का जो कार्बन है ठीक है हाई ऑर्गेनिक कॉम्पोनेट इज एसोसिएटेड विद हाई वाटर कंटेंट ये ध्यान रखिएगा ठीक है राइट right? एंड यहां पे हाई एस्ट ऑर्गेनिक कॉम्पोनेट कहां मिलता है आपको वेटलैंड परमाफ्रोस्ट यहां पे ज्यादा मिलेगा ठीक है देन उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलाइंस ये कब बनाए तो ये कॉप ट्वेंटी सेवन में बनाए एंड रिमेंबर इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ठीक है कॉप ट्वेंटी सेवन में इंटरनेशनल ड्रॉट रिलीजन अलाइंस इंडिया इज नॉट अ मेंबर ठीक एंड इट इज लेड बाय स्पेन एंड सेंगल ठीक है तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं एस सुब्रमण्यम अय्यर ठीक है ही रीअनाउंस द नाइटहुड इन अपोजिट इन अपोजिशन टू एने बेसेंट्स अरेस्ट इन नाइनटीन सेवनटीन तो रिमेंबर दिस ठीक है कि इन्होंने नाइटहुड दिया था जब एने बेसेंट को अरेस्ट कर लिया गया था ठीक तो है नाइनटीन सेवनटीन में फिर उसके बाद रोलट सत्याग्रह वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया सत्याग्रह बाय गांधी अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडिया ठीक है और यह ऑब्वियसली बात है दिस वॉज अगेंस्ट द रोल्ट एक्ट ऑफ नाइनटीन नाइनटीन ठीक है देन उसके बाद हम बात करते हैं दैट चौक पोस्चर यह क्या होता है दिस इज इन ओडिसी डांस ठीक है तो चौक पोस्टर याद रखिएगा ओडिसी डांस में होता है देन उसके बाद हम बात करते हैं मुलादो प्याजा ठीक है तो मुलादो प्याजा वॉज द होम मिनिस्टर इन अकबर्स कोर्ट तो पूछा जा सकता है मोलादो प्याजे क्या था तो दो प्याज होम मिनिस्टर ठीक है अकबर्स कोर्ट में देन राजा तोड़महल क्या थे ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर एंड ये भी अकबर के एक नवरत्न का पार्ट थे ठीक है राइट एंड ही इंट्रोड्यूस द धशाला सिस्टम ऑफ लैंड सर्वे ठीक है जो आज भी यूज़ किया जाता है ठीक है तो रिमेंबर दिस राजा तोड़मल मुलादो प्याजा ठीक है रिमेंबर दिस ठीक है देन उसके बाद हम बात करते हैं वेलोर म्यूट म्यूटनी के बारे में सो so ये 1806 में हुई थी ठीक है एंड दिस वॉज ड्यू टू द न्यू हैट्स विच वर टू बी वॉन और ये कहते हैं कि ये जो नई हैट्स थी ये पिग की और काओ की स्किन से बनी थी सो so बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स दे रिवोल्टेड ठीक है तो विलोर म्यूटेंटी याद रखिएगा क्या रीज़न था ये पता होना चाहिए राइट right. देन काराकुट्टम काराकट्टम डांस ठीक है ये कहाँ का है दिस इज़ द फोक डांस ऑफ तमिलनाडु तो तमिलनाडु का फोक डांस है ठीक है एंड ममिता डांस कहाँ का है ठीक है तो त्रिपुरा का है तो मम त्री ठीक है तो ये त्रिपुरा का है एंड काराकुट्टम के के टी ठीक है तो तमिलनाडु का है ठीक है देन बुरुजीज क्या है ये आसाम का एक हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है और नैरेटिव तो ये दिए या रखिएगा ठीक है देन फोर डायनेस्टीज़ ऑफ विजयनगर कौन कौन सी थी ठीक है क्रोनोलॉजिकल में याद रखेगा सस्ता एस एस टी ए ठीक है संगमा सलवा तुलुआ एंड अराविद्युआ ठीक है एंड अब आपको मुझे बताना कृष्णदेव राय कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ठीक है एंड यहाँ पे ध्यान रखिएगा इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोटेंस दिया था इरिगेशन के लिए ठीक है एंड दस वदाना ग्रांट्स ठीक है ये भी इन्होंने लॉन्च की गई थी ताकि इरिगेशन वगैरह में इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाया जा सके ठीक है सो दीज वार ग्रांट्स टू एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इन द इिगेशन ठीक है तो ये यह हमने यहाँ पे बात कर लिया क्या आपके जो ओ, ओ, ये ओ, फोर विजयनगर की डायनेस्टीज़ ठीक है और उनका इरिगेशन वगैरह का ये कंट्रीब्यूशन ठीक है देन सुगम म्यूजिक याद रखिएगा ये एक डिवोशनल म्यूजिक होता है ठीक है तो सुगम म्यूजिक इज़ अ डिवोशनल म्यूजिक ठीक है देन बैथूने स्कूल्स 1849 में बने थे ठीक है इन कैलकटा एंड फर्स्ट फीमेल कॉलेज वॉज कन्वर्टेड इन बेथूने ठीक है कॉलेज इन एटीन ठीक है ये ध्यान रखिएगा एंड ये कौन लेके आया था तो जॉन एलियॉर ड्रिंक वाटर बेथ्यूने ठीक है ये चीज ध्यान रखिएगा ठीक है तो फर्स्ट फीमेल कॉलेज यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए ठीक है आपका आ, ये भी बैथुनी नहीं यहाँ पे आ, वो था कन्वर्ट किया गया था ठीक है इन बैथ्यूने कॉलेज ठीक है एटीन में ठीक है ये चीज़ पता होनी चाहिए